नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राशि प्रभाकर है। मैं ब्लेसिंग्स टीम ऑडियो मुंबई से हूं। आज मैं आपके सामने आचार्य रजनीश ओशो की पुस्तक कुंडलिनी और सात शरीर के विषय में बात करूंगी। आचार्य रजनीश ओशो भारत के एक आध्यात्मिक गुरु थे जिनके शिष्य पूरी दुनिया में फैले थे। आचार्य रजनीश व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रथम मूल्य देते हैं, धर्म नहीं, धार्मिकता उनका मौलिक स्वर है। ये पुस्तक 6, 7 और 8 जुलाई 1970 को मुंबई में हुए ओशो जी के प्रवचनों को कंपाइल संकलित करके माँ अमृत साधना और माँ कृष्ण प्रिया द्वारा लिखी गई है। ओशो ने खुद कोई पुस्तक नहीं लिखी, उनकी सारी पुस्तकें उनके प्रवचनों को कंपाइल करके ही लिखी गई हैं। इस पुस्तक में आचार्य रजनीश ओशो ने कुंडलिनी और सात शरीर आदि के विषय में प्रश्नों के उत्तर दिए हैं जो बहुत ही साधारण भाषा में हैं और जिनका उत्तर हर साधक को जानना आवश्यक है। मुझे उम्मीद है इसे सुनने के बाद आपके भी बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे। पहला अध्याय, सतत साधना, ना कहीं रुकना ना कहीं बंधना। ये अध्याय प्रश्नोत्तर के रूप में है। इसमें ओशो ने अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। उनसे प्रश्न किया गया है कि अचानक वैश्विक ऊर्जा मिलने से क्या दुर्घटना हो सकती है? तो ओशो कहते हैं, प्रभु कोई व्यक्ति नहीं, शक्ति है, लेकिन हम उन्हें व्यक्ति समझते हैं, इसलिए हम उनके संबंध में वैसा ही सोचते हैं जैसे एक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। हम कहते हैं कि वो बड़ा दयालु है, कल्याण करता है। ये हमारी आकांक्षाएं हैं जो हम उन पर थोपते हैं। शक्ति पर आकांक्षाएं नहीं थोपी जा सकती। जब हम परमात्मा को एक शक्ति के रूप में मानते हैं तो परिणाम दूसरे होंगे। परमात्मा शक्ति ही है और इसका अपना शाश्वत नियम है। उस नियम का नाम ही धर्म है। धर्म का अर्थ है उस परमात्मा नाम की शक्ति के व्यवहार का नियम। अगर आप उसके नियमों के अनुसार विवेक से चलते हैं तो वो शक्ति आपके लिए कृपा बन जाती है, उसकी तरफ से नहीं, आपके ही कारण। अगर आप उल्टा करते हैं तो अकृपा बन जाएगी, परमात्मा के कारण नहीं, आपके व्यवहार के कारण। परमात्मा के साथ प्रार्थना, पूजा, अपेक्षाओं का कोई अर्थ नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि वो शक्ति आपके लिए कृपा बन जाए तो जो भी करना है वो अपने साथ करना है। इसलिए साधना का अर्थ है, प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं। इस फर्क को ठीक से समझें। प्रार्थना में आप परमात्मा के साथ कुछ कर रहे हैं, जबकि साधना में आप अपने साथ कर रहे हैं। हमारे मन, शरीर, मस्तिष्क सबकी सीमा है, परंतु हम जिस शक्ति की बात कर रहे हैं वो असीम है। इसलिए साधना में दोहरा काम है, खुद को उस शक्ति के मार्ग पर लाना और अपनी क्षमता को उस शक्ति को सहने के योग्य बनाना। हर एक इंसान की बहुत जन्मों की यात्रा है और हर जन्म में उसने बहुत कुछ किया है। ओशो कहते हैं कि यदि आप पिछले जन्म में किसी साधना में लगे थे और 99 डिग्री तक पहुंच गए थे, किसी कारण 100 डिग्री तक नहीं पहुंच पाए, तो इस जन्म में आप वो साधना, जीवन, सारी बातें भूल चुके हो। लेकिन 99 डिग्री तक की आपकी जो स्थिति थी वो आपके साथ है। कोई दूसरा व्यक्ति जो आपके साथ ध्यान कर रहा है वो पिछले जन्म में 1 डिग्री पर ही रुक गया था। तो आप दोनों अलग अलग तरह के आदमी हैं। उसकी 1 डिग्री बढ़ेगी तो कोई घटना नहीं घटेगी, वो 2 डिग्री तक पहुंचेगा। लेकिन आपकी 1 डिग्री बढ़ेगी तो कोई घटना घटेगी और ये अचानक ही होगा, क्योंकि आपको तो अंदाज भी नहीं है कि आप 99 डिग्री पर थे। इसलिए ऊर्जा का प्रवाह बहुत अधिक होगा, तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। ध्यान साधना से हमें तैयारी करनी चाहिए ताकि जब प्रकाश की ऊर्जा आए तो हम उसे सहन कर पाएं, ना कि प्रकाश भी हमें अंधेरा ही सिद्ध हो और अंधा कर जाए। ओशो कहते हैं कि जैसा कि मैंने पहले कहा, परमात्मा को शक्ति मानोगे तो कोई अड़चन नहीं, कोई मुश्किल नहीं होगी। यदि हम चाहते हैं कि परमात्मा की शक्ति हमारे लिए कृपा बन जाए तो हमें जो भी करना है अपने साथ करना है, क्योंकि ध्यान का अर्थ है, पूजा का कोई अर्थ नहीं। इस फर्क को ठीक से समझें और अनुभव करें। ओशो से अगला प्रश्न पूछा गया कि आपने किसी चर्चा में कहा कि शक्तिपात का प्रभाव
धीरे धीरे कम होता है, इसलिए माध्यम से बार बार संबंध होना चाहिए। तो क्या ये किसी गुरु रूपी व्यक्ति पर आश्रित होना नहीं? यहां मैं ये बता दूं कि शक्तिपात एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति शिष्य में स्थापित करता है। तो ओशो कहते हैं कि आश्रित होना हो सकता है, इसलिए भूल कर भी कभी शिष्य मत बनना और भूल कर भी गुरु मत बनना, नहीं तो एक दूसरे पर निर्भर हो जाओगे। यहाँ ओशो ने महात्मा बुद्ध की एक घटना का वर्णन किया है। महात्मा बुद्ध अपने पिछले जन्म में किसी सिद्ध पुरुष के दर्शन करने जाते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। महात्मा बुद्ध प्रणाम करके अभी खड़े भी ना हो पाए थे कि उससे पहले ही उन सिद्ध पुरुष ने बुद्ध के चरणों में झुककर प्रणाम किया। तो महात्मा बुद्ध ने उनसे कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपके पांव छूं तो वो ठीक है, लेकिन आप मेरे पांव क्यों छूते हो? तो वो महात्मा बोले, मैं तेरा ही दो कदम आगे गया एक रूप हूं। मैं तुझे याद दिला रहा हूं कि मैं और तू अलग अलग नहीं है। इस भूल में मत पड़ जाना कि तू अज्ञानी और मैं ज्ञानी हूं। बस घड़ी भर की बात है, तू भी ज्ञानी हो जाएगा। ओशो कहते हैं कि परमात्मा के प्रकाश ऊर्जा को पाने की घटना किन्हीं लोगों में बड़ी आसानी से घट जाती है, तो तुम उन लोगों को पकड़कर बैठ मत जाना। तुम अपनी खोज जारी रखना, किसी के पास भी मत रुकना। जाना है तो उसके पास जिसका कोई आकार कोई सीमा नहीं। इस यात्रा में चारों तरफ हजारों अनंत आत्माएं यात्रा कर रही हैं, बस फासला आगे पीछे का है। चाहो तो किसी की मदद ले सकते हो, पर गुलामी मत करना। और हाँ, जिसकी भी मदद लो उसका धन्यवाद जरूर करना और उस ऊर्जा स्रोत को पाने की अपनी खोज जारी रखना। खुद खोजोगे और पाओगे तो उसमें बहुत आनंद है, खुशी है। अब आगे ओशो से प्रश्न पूछा गया कि आपने कहा कि परमात्मा एक शक्ति है और उसको मनुष्य जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। कठोपनिषद में भी कहा गया है कि वो परमात्मा जिसको पसंद करते हैं उसको ही मिलते हैं, तो उनकी पसंद का कारण और आधार क्या है? तो ओशो उत्तर देते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि उसकी आप में कोई रुचि नहीं है। उसकी रुचि आप में ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप उससे कोई अलग नहीं हो, आप उसके ही फैले हुए विस्तार हो। आप में रुचि नहीं है से मेरा मतलब है कि वो शक्ति आपके लिए नियम से बाहर नहीं जाएगी। जैसे अगर आप नदी में कूदते हो तो डूब जाओगे, प्रकृति आप में पूरी रुचि ले रही है, डुबाने में ले रही है, लेकिन विशेष रुचि नहीं कि नियम तो डूबने का था और आपको बचाया जाए। जिन्होंने ईश्वर को व्यक्ति माना उन्होंने इस तरह की काल्पनिक कथा फिक्शंस को गढ़ा कि प्रह्लाद को जलाया नहीं जाएगा, पहाड़ से गिराओगे तो चोट नहीं लगेगी। ये जो कहानियां हैं ये हमारी अपेक्षाएं हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा हो। तो शक्ति की रुचि सदा नियम में है और कठोपनिषद में जो कहा गया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो उनका कहना है जिन्होंने उस शक्ति को जाना, और पढ़ रहे हैं ना जानने वाले। और वो कहते हैं कि ठीक है, जब सब कुछ उसी की इच्छा से होता है तो जब उसकी इच्छा होगी तो हमें भी मिल जाएगा, हम क्यों कुछ करें। सारी दुनिया के शास्त्रों के साथ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि शास्त्र हैं उनके कहे हुए वचन जो उस शक्ति को जानते हैं, और जब उन शास्त्रों को जो उस शक्ति को नहीं जानते पढ़ते हैं तो बिल्कुल अलग अर्थ निकालते हैं। तो मेरे हिसाब से दो तरह के शास्त्र होने चाहिए, ज्ञानियों के कहे हुए अलग और अज्ञानियों के पढ़ने के अलग। अब ओशो से प्रश्न किया जाता है कि आपने कहा कि शक्तिपात अहंकार शून्य व्यक्ति के माध्यम से होता है, लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें शक्तिपात से कुंडलिनी की प्रक्रियाएं हुई हैं, तो क्या वे झूठी हैं? ओशो जवाब देते हैं, एक व्यक्ति जब शून्य में पहुंचता है, चित्त की गहराइयों में उतरता है, तो उसे बहुत से अनुभव होते हैं। बहुत अलग सी सुगंध आना, संगीत सुनाई देना, बहुत अलौकिक रंग दिखाई देना। अब यही कुछ हिप्नोसिस से भी तत्काल पैदा किया जा सकता है बिना कठिनाई के। इसके लिए सिर्फ बेहोश होने की जरूरत है, साधना की नहीं, और तब जो कुछ भी कहा जाएगा आपके साथ वही घटित होगा। लेकिन ये आध्यात्मिक नहीं है, वो सिर्फ आप में डाला गया है और एक सपने जैसा है। तो जिसने कभी ध्यान में ये अनुभव नहीं किया तो वो असली नकली के भेद को नहीं जान पाएगा। तो
तो जिन कुंडलिनी जागरण करने वालों की तुम बात कर रहे हो वो अभी तलाश कर रहे हैं। तो ये जो सारे साइकिक मनोगत फॉल्स कॉइन्स है ना, उन्होंने अपने झूठे दावे पेश किए हैं और उन्हें सिद्ध करने की पूरी व्यवस्था भी पैदा की है। तो ये जो दावेदार कहते हैं कि वो शक्तिपात करते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन वो शक्तिपात नहीं, हिप्नोसिस है। तो बहुत तरह की झूठी, झूठी इन अर्थों में नहीं कि वो कुछ भी नहीं है, बल्कि इन अर्थों में कि वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नहीं है। तो जो कुछ शून्य की स्थिति में ध्यान में घटता है उसका आध्यात्मिक मूल्य है। उस समय जो ऊर्जा आप महसूस करते हो, जो दृश्य देखते हो, वो ही असल है। अब ओशो से अगला प्रश्न किया जाता है, तो क्या जो आप ध्यान की विधि बता रहे हो उसमें सम्मोहन या भ्रम की संभावना नहीं है? बहुत से लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा, तो क्या वो सच्चे रास्ते पर नहीं है, या जिन्हें हो रहा है वो जानबूझकर कर रहे हैं? ओशो जवाब देते हैं कि सम्मोहन का और ध्यान का प्राथमिक रूप एक ही है, लेकिन अंतिम रूप भिन्न है और दोनों का लक्ष्य भी अलग है, पर दोनों में बुनियादी फर्क है। सम्मोहन चाहता है तुरंत मूर्छा, नींद, सो जाओ, जबकि ध्यान का सारा सुझाव है जागो, अवेक, क्योंकि ध्यान में जो कुछ घटित होगा उसे तुम साक्षी भाव से देखोगे। अब ध्यान में जिनको अनुभव हो रहे हैं और जिन्हें नहीं हो रहे हैं उनमें बस छोटा सा फर्क है। जिनको नहीं हो रहा उनका संकल्प थोड़ा कमजोर है, वो डरे हुए हैं कि कहीं हो ना जाए। हमारा मन ऐसा ही है, हर वक्त अनुभव चाहते भी हैं फिर खुद को रोकते भी हैं। तो खुद पर पूरा प्रयोग करो और दूसरे के अनुभवों के बारे में कोई विचार मत लाओ। जब मन शून्य में जाएगा तो निश्चित ही ऊर्जा मिलेगी, अनुभव होंगे, क्योंकि ये विज्ञान की बात है, किसी धर्म की नहीं। क्योंकि जिस परमात्मा को मैं शक्ति कह रहा हूँ वहाँ सब बराबर है, वहाँ कोई प्रार्थना, अच्छा कुल, अमीर गरीब कुछ नहीं है। ये भी नहीं कि भारत में पैदा हुए हो तो बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये विज्ञान की बात है। तो ध्यान करो, ध्यान में होने वाले अनुभवों पर विश्वास करो, और अगर कुछ अनुभव नहीं हो रहा है तो भी विश्वास से आगे बढ़ो। सिर्फ ध्यान करना है, इसकी फिक्र करो, और निर्णय सदा भीतर के अनुभव से लो, बाहर से नहीं। धन्यवाद।